हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वंस अगेन मैं सैयद रमीज, ब्लॉगर एंड डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट। आज मैं वीडियो लेकर आया हूँ WHM cPanel, WHM का लेटेस्ट वर्जन का ओवरव्यू करेंगे हम। इन्होंने अपना थीम को पूरा चेंज किया है और WHM जो पहले दिखता था वो टोटली कम्प्लीटली इन्होंने चेंज कर दिया है, तो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न होगा बहुत सारे लोगों को। सो देखते हैं कि इसके अंदर उन्होंने क्या क्या फंक्शनैलिटी की है, क्या क्या मॉडिफिकेशंस किया है। सो बेसिकली ये है फर्स्ट व्यू ऑफ WHM। पहले जो WHM दिखता था उसका भी मैं एक आपको व्यू दिखाऊंगा कि पहले कैसे दिखता था और अभी जो दिखता है वो कैसे दिखता है, कौन सी चीज़ उन्होंने लेफ्ट टू राइट शिफ्ट की है या फिर किस जगह पे कम ज़्यादा किया है। सो वीडियो अच्छा लगा दोस्तों, इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। एंड अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। सो दोस्तों देख रहे हैं, जैसा कि ये WHM का लेटेस्ट पैनल है और उन्होंने सबसे पहले दिया है लाइक द न्यू इंटरफेस और ये पूछ रहे हैं। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे ये हमारा एक फॉर्म खुल जाएगा जो कि गूगल फॉर्म है, जिस पे इन्होंने एक फीडबैक मांगा है, फीडबैक ऑन cPanel वेब होस्ट मैनेजर, कि न्यू वेब होस्ट मैनेजर है ये भी हम भरेंगे। तो उससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में। और जो दूसरा नोटिफिकेशन है वो ये दिया हुआ है कि जो एक पुराना थीम है वो डिसकंटिन्यू कर रहे हैं, लैटिन थीम जो है पेपर लैटिन ये डिसकंटिन्यू कर रहे हैं, डुप्लीकेटेड हो जाएगी और नया थीम जो है जुपिटर वो यहाँ पर आ गया है। सो पहले का मैं इंटरफेस दिखा देता हूँ दोस्तों, तो एक लाइक कर दीजिए ज़रा ये पुराने इंटरफेस पे। ये पुराना इंटरफेस है, पहले इस तरह से WHM दिखता था। WHM न्यूज़ लॉग थे, लॉग आउट बटन था, होम था और इधर एक सर्च बॉक्स था। इसके अलावा आप नीचे लेफ्ट साइड में देखते थे तो सेक्शन वाइज सारी चीज़ें थी, सपोर्ट, नेटवर्क सेटअप, सिक्योरिटी सेंटर और बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर थी। तो वो सारी चीज़ें इसके अंदर हैं और ये जो इंटरफेस आप देख रहे हैं राइट साइड का पोर्शन, ये इंटरफेस है इनका मेन। और अगर हम ऊपर टॉप पर देखेंगे, टॉप पर ऊपर यहाँ पर cPanel का वर्जन दिखाता था, वर्जन 68.28 लोड एवरेज और सेंट ओएस का वर्जन दिखा देता था। सो अभी जो डिफरेंस है वो आपको मैं एक झलक दिखा देता हूँ, पहले लेफ्ट से शुरू करके, कि लेफ्ट साइड का उन्होंने जो किया है वो इस तरह से उन्होंने चेंज कर दिया है। सारी चीजें उसमें उतनी ही हैं बट उन्होंने इंटरफेस डिजाइन को चेंज कर दिया है। अभी इसको कलेप्स करेंगे तो ये सारी चीजें कलेप्स हो जाएंगी, एक्सपेंड करेंगे तो सारी चीजें एक्सपेंड हो जाएंगी। सो ये एक फंक्शन दिया है, यहाँ पर उन्होंने एक सर्च बॉक्स दिया है, यहाँ पर अगर हमें सर्च करना है फॉर एग्जांपल डोमेन, तो डोमेन से रिलेटेड जितनी भी सेटिंग्स है वो यहाँ पर आ जाएगी, पहले भी आती थी बट इंटरफेस अलग था। सो यहाँ पर ये बंद हो गए। डोमेन के अलावा अगर हमें DNS टाइप करना है तो DNS पहले भी ऐसे ही चलता था बट थोड़ा सा डिफरेंस कर दिया है उन्होंने, कॉम्बिनेशन कलर कॉम्बिनेशन चेंज किया है और कुछ फीचर्स ऐड किए होंगे डेफिनेटली, वो भी हम देखेंगे इसमें। फायरवॉल पे हम सर्च करेंगे तो जो भी हम सर्च करेंगे वो यहाँ पर भी आ जाएगा, एज वेल एज उन्होंने एक सर्च पैनल यहाँ पर भी दिया है तो आप यहाँ से भी पूरा सर्च कर सकते हैं। ये इंटरफेस चेंज किया है, इसके साथ में टॉप टूल है, स्टेटिस्टिक है। ये स्टेटिस्टिक पहले देखेंगे आप टॉप पर आता था लोड एवरेज, अभी इन्होंने ये साइट में स्टेटिस्टिक दे दिया, तो ये एक डिफरेंस है। और ये टॉप टूल है लिस्ट अकाउंट, प्रोसेस मैनेजर, DNS, क्रिएट न्यू अकाउंट, टर्मिनल, मेल क्यू मैनेजर, जो टॉप ज़्यादा यूज होते हैं वो इन्होंने दिए हैं। फिर उसके बाद टूल्स के अंदर देखेंगे सर्वर कॉन्फ़िगरेशन का टूल्स है, पहले इस तरह से इंटरफेस नहीं था, पहले का जो इंटरफेस था वो समथिंग लाइक इस तरह से था जो आप देख रहे हैं, सर्वर कॉन्फ़िगरेशन, सपोर्ट, नेटवर्क सेटअप, सिक्योरिटी, इस तरह से पहले दिया हुआ था। तो अभी इन्होंने पूरा चेंज किया हुआ है, इस तरह से दिया है, सर्वर कॉन्फ़िगरेशन ऐसे यूज किया हुआ है इन्होंने, सपोर्ट्स है, टिकट क्रिएट करना है cPanel में और नेटवर्क सेटअप है, तो चीज़ें सारी वही हैं बट उन्होंने इंटरफेस जो है पूरा चेंज कर दिया है। cPanel जिसकी वजह से जाना जाता था वो कंप्लीटली चेंज हो गया है। सो दोस्तों देख लेते हैं, यहाँ पर इन्होंने कुछ और ऑप्शंस भी दिए हैं। ये है इसका यूजर है, वर्जन दिया हुआ है 102.0.12, हॉस्ट नेम है, सर्वर इन्वायरमेंट दिया हुआ है, लाइसेंस टाइप है स्टैंडर्ड है, लॉड एवरेज यहाँ पर भी दे रहा है, ये कुछ अलर्ट्स का सिंबल है और इसके बाद यहाँ पर करते हैं तो हम यहाँ लॉग आउट का ऑप्शन देगा। सो यहाँ पर हम चलते हैं यहाँ पर फीडबैक पर, या फिर फीडबैक हम सबमिट करेंगे साथ साथ में,
इनको कि हमें ये इंटरफेस बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। योर आंसर व्हाट वर्जन डब्ल्यूएचएम यू आर प्रोवाइडिंग फीडबैक वंस प्लीज इंक्लूड द वर्जन। तो अभी हमारा जो वर्जन है 10.2 ये यहाँ पर दे रहा है 12। सो हम 12 का फीडबैक दे रहे हैं 102.0.12। आर यू ओवरऑल फीलिंग फॉर द न्यू लुक एंड द फील ऑफ द WHM? नो वी आर नॉट फूलिंग अंडरस्टैंड वेल अबाउट दैट न्यू इंटरफेस। सो व्हेन कंपेयरिंग द न्यू WHM टू द प्रीवियस वर्जन व्हाट डू यू मिस आउट इट इन द न्यू UI? सो ऑल द ओवरऑल UI इज वेरी बैड कंपेयर टू ओवरऑल न्यू UI ओवरऑल न्यू UI नॉट गुड कंपेयर टू ओल्डर वर्जन। सो हमें ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, इसलिए हमने ये फीडबैक दिया है। व्हेन कंपेयरिंग द न्यू WHM टू द प्रीवियस वर्जन व्हाट डू यू लाइक मोस्ट इन द न्यू UI? नथिंग, इसमें हमें कुछ भी पसंद नहीं आया। और इसके बाद प्लीज प्रोवाइड एनी अदर फीडबैक ऑन द न्यू जुपिटर WHM थीम, वेरी उगली एंड अनयूजर फ्रेंडली। और इट इज ओके If we contact you with the follow-up question about your feedback, no, we are not interested. और ये हमने कर दिया submit. So अभी हम देखेंगे कि ये जो version है ये कौन से इसमें आया है। तो हम सबसे पहले चलते हैं cPanel की site पर। Okay, so cPanel की site पर हमें जाने के लिए पहले सबसे पहले cPanel.net, यहाँ पर हमें मिलेगा इसका version history। ये हैगा cPanel WHM रिलीज। सो कौन सी डेट में कब क्या रिलीज हुआ। सो वर्जन 102 जो है इसमें ये यूजर इंटरफेस इंक्रीज हुआ है। सो सबसे पहले देखेंगे जो जनवरी 5 को रिलीज हुआ था एज वर्जन था, फिर उसके बाद रिलीज किया उन्होंने 20 जनवरी को करंट वर्जन जो है, एंड उसके बाद में रिलीज किया फाइनली मार्च 21 2022। और अभी ये मार्च में स्टेबल वर्जन है जो हमारा वर्जन 102 है। और इन्होंने ये इससे पहले cPanel जो है Ubuntu को सपोर्ट नहीं करता था, नाउ इट्स सपोर्टिंग द Ubuntu आल्सो। और Ubuntu में बहुत सारे फीचर्स हैं एंड Jupyter थीम न्यू लेकर आए हैं जो कि बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये इंटरफेस जो है पुराने इंटरफेस से कहीं ज़्यादा बेकार नजर आता है। सो ये रहा मेरा फीडबैक एनालिस और रिव्यू फॉर द न्यू वर्जन ऑफ द cPanel। सो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, गुड बाय।